डायरेक्ट सेलिंग को लेके अब हमारे देश में माहौल बदल रहा है सर, बिल्कुल चेंज हो रहा है। इंडिया गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर रूलिंग दिया है, दिसंबर में आया है, जो इस बात के लिए इशारा कर रहा है कि अब इंडिया गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत सीरियस है। अब जो पहले हम देखने को मिलता था, सुनने को मिलता, वो कंपनी ये कर रही है, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी सर। अब रियल और एथिकल सिस्टम ही काम करेंगे, रियल प्रोडक्ट पे काम होगा, प्रोडक्ट की रियल वैल्यू पे काम होगा, एथिक्स पे काम होगा। तो हम बहुत लकी हैं कि हम इस प्रकार के सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं जहां पर सारी चीजें पहले से एस्टेब्लिश्ड है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को लेके अब हमारे देश में माहौल बदल रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग की जो रूलिंग आई है उसके लिए सभी एसोसिएशन ने सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद किया है, बड़ा आभार दिया है कि अब शुरू तो हुआ और हम कह सकते हैं इट इज द बिगनिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एरा। ये एक डायरेक्ट सेलिंग युग की शुरुआत हो रही है, ये सारा समझे आप, इस युग की शुरुआत हो रही है। पहले तो कोई इस बात को मानता ही नहीं था। इस इंडस्ट्री के ऊपर सबसे बड़ा जो एक तलवार लटकी रहती थी वो थी चिटफंड एक्ट 1978, कुछ भी हो गया उसको ले लो। पहली बार एक ऐसा हुआ है हम उससे बाहर निकल के आए हैं, एक अलग डेफिनेशन बनाई गई। तो आप मानिए कि अब चीजें बदल रही हैं, और जब चीजें बदलती होती हैं तो उन बदलती हुई चीजों का लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जो उस बदलते परिवेश को समझ जाते हैं, उसको देख जाते हैं, उसको भांप जाते हैं और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। तो आपको अपनी एजुकेशन को, आपको अपने तरीके को, आपको अपने हर चीज में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की अब सही ढंग से शुरुआत हो चुकी है। फिक्की और केपीएमजी के जो हम बार बार आप सब लोग डिस्कस भी करते हैं कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है, इसका मतलब ये सारी बातें इस बात को इशारा कर रही हैं कि अब सोचने का नहीं, कुछ बड़ा करने का डिसीजन लेना चाहिए। अब वो सोचने वाला टाइम गया सर, ज्वाइन करूं या नहीं करूं, मैं काम करूंगा नहीं करूंगा, अपलाइन सपोर्ट करेगा तो कर लूंगा, वो सारी चीजें से ऊपर उठ जाइए सर। अब ये हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है कि मुझे यदि इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ी पार्टनरशिप चाहिए तो मुझे अपने आप को सही ढंग से काम करना सीखना पड़ेगा। तो इसलिए अब सोचने का नहीं, कुछ बड़ा करने का डिसीजन लेने की जरूरत है। तो मैं आप सबसे बिल्कुल चाहूंगा कि आज हम अपने अंदर कुछ ना कुछ जरूर एडिशन करेंगे, कुछ ना कुछ फीचर जरूर ऐड करेंगे। इस बिजनेस की बारीकियों को मैं आपके बात बीच में शेयर करूंगा ताकि हम इस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से समझ सकें, और यदि हमें इस प्रकार के बदलाव को देखना है, उस प्रकार के बदलाव को कैस करना है, तो हमें यह जानना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस का एक्चुअल थीम क्या है। यदि मुझे इस बिजनेस में वंडरफुल सक्सेस चाहिए, अब सक्सेस के मीनिंग हर लीडर के लिए अलग अलग है सर। एक व्यक्ति 2 साल से काम कर रहा है, रोल टीम मेंटेन हो सकता है, वो अपने आपको माने कि सक्सेस हो, लेकिन नहीं सर, अभी आपको सक्सेस के मायने बदलने पड़ेंगे। यू हैव टू गेट वंडरफुल सक्सेस, जिसको लोग सेलिब्रेट करें, जिसके बारे में लोग कहें, इंडिया लेवल पर आपका एक्सपोजर हो, उस प्रकार की सक्सेस यदि आपको चाहिए तो आपको इस आरसीएम बिजनेस की डायरेक्ट सेलिंग की एक्चुअल थीम को समझना पड़ेगा। ये केवल कुछ लोगों को जोड़ने का, लैग चलाने का, ये वो चीजें से ऊपर उठिए सर। आप जिन चीजों में आज तक हम उलझे रहे हैं, फॉलो करना ना करना आपका काम है सर, मेरा काम है आपको सच्चाई बताना। जिन चीजों में बहुत सारे लोग आज तक उलझे रहे थे, उन चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है सर। अंडरस्टैंड द एक्चुअल थीम ऑफ आरसीएम बिजनेस, एक्चुअल थीम ऑफ डायरेक्ट, की डायरेक्ट सेलिंग चलती कैसे है, डायरेक्ट सेलिंग बढ़ती कैसे है, एक व्यक्ति बड़ा बिजनेस करता कैसे, एक व्यक्ति बड़ा लीडर बनता कैसे, अर्थात एक व्यक्ति की इस बिजनेस में वंडरफुल सक्सेस कैसे आती है, और हमें उस एक्चुअल थीम को समझना पड़ेगा।